नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने कहा है कि जब भारत को पता चले उससे पहले ही हमें पाकिस्तान को कॉल करके बता देना चाहिए। हम उन्हें सुबह 11 बजे से ही फोन कर रहे थे, लेकिन वे फोन पर आने से भी डरे हुए थे। 12 बजे हमने उनसे बात की और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लाशें उठा ले जाओ। भारत और ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तकनीकी व्यापार और निवेश के मुद्दों सहित 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को खत्म करने के उद्देश्य से सूचना के आदान प्रदान और सहयोग के लिए भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में साइबर संबंधों के साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के संबंध शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में कहा कि छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं देश को बेहद शर्मसार करने वाली है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अब वक्त आ गया है कि माता पिता अपनी बेटियों की बजाय बेटों से सवाल करें। बेटी से सारे सवाल पूछे जाते हैं, कभी बेटों से भी पूछना चाहिए कि कहां जाते हैं, क्या करते हैं। सीबीआई जज बीएच लोहा की मौत के मामले में स्वतंत्र जांच की जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के जांच वाली मांग की याचिका को ठुकरा दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है। जज लोहा केस में बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राजनीतिक मकसद से याचिका दायर की गई थी और इस याचिका के पीछे अदृश्य हाथ था। झूठी याचिका के पीछे राहुल गांधी थे। बीजेपी ने कहा कि अमित शाह पर कांग्रेस ने अभद्र टिप्पणी की, कांग्रेस न्यायपालिका को सड़क पर लेकर आई, राहुल गांधी को इन सब बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि हैदराबाद में मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अदालत की ओर से सभी 5 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी शक्ति केंद्र अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी ने मस्जिद विस्फोट के पीछे हिंदू आतंकवादियों का हाथ होने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य स्थित करीब 17,000 बैंक शाखाओं में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता है और एटीएम में भी नकदी उपलब्धता की लगातार समीक्षा की जा रही है। बता दें कि यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी है। राजस्थान में सत्तारूढ़ बीजेपी की 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुई करारी हार के 2.5 माह बाद आखिर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी को पद से हटा दिया गया। उधर आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के हरिबाबू राव को भी हटा दिया गया है। दोनों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। देश को कैश संकट से उबारने के लिए आरबीआई बड़ी तादाद में 200 और 500 रुपए के नोटों की छपाई करवा रही है, लेकिन नासिक नोट प्रेस में स्याही खत्म हो जाने के कारण नोटों की छपाई में रुकावट आ गई है। छापाखाना कामगार परिसंघ के अध्यक्ष जगदीश गौडसे का कहना है कि नोटों को छापने के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल होता है उसे आयात किया जाता है, ये स्याही वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। आईआईटी कानपुर में एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक छात्र की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भीम सिंह के रूप में की गई है। साउथ इंडिया के एनआईटी वारंगल से एमटेक करने के बाद मृतक छात्र आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा था। सीतापुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी बेटी अपने दोस्तों को गैंगरेप के लिए तोहफे में दे दी। लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। इससे हड़कंप मच गया है। संदिग्ध एयरबेस से लगते ढाकी में देखे गए। पुलिस व एसएसजी कमांडो सर्च अभियान चला रही है। सर्च अभियान में बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संदिग्धों के फिदायिन होने का शक है। महिलाओं से रेप जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 7वें दिन भी अपना अनशन जारी रखा है। वो उपवास से हटने को तैयार नहीं है। उनका आज भी वही कहना है, जब बलात्कार जैसे अपराध के लिए देश में सख्त कानून नहीं बनते तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगी।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यात्रियों से भरी एक बस के टायर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एनसीसी प्लांट के कर्मचारियों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। बस ड्राइवर ने बताया कि टायर फटने से आग लगी। विदेशी फिल्म मेकर माजिद मजीदी अपनी अपकमिंग फिल्म बियॉन्ड दी क्लाउड्स को लेकर चर्चा में है। निर्देशक ने फिल्म के लिए कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण दोनों को ही अप्रोच किया था। माजिद ने तमाम खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कंगना के बयान को गलत बताया है और दीपिका पादुकोण को रिजेक्ट करने की बात पर कहा है कि दीपिका पादुकोण उस समय फिल्म की शूटिंग के लिए फ्री नहीं थी। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।